आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ़ से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में, अल्लाह ताला की खैर आफियत में होंगे। जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाए, मुझे हमेशा याद रखा करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए सने वीडियो लाते रहेंगे। नाज़रीन, आज का ये खसूसन वजीफ़ा है कि जिनके घर में लड़ाई झगड़ी, नातफाकी या नाचलाकी वगैरह ऐसी की कोई भी किसी भी किस्म की कोई चलाकी कोई करता है, आपके घर में नातफाकी है, आप लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बात में, तो ये उनके लिए वजीफ़ा है। तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ कि आपने ये जो भी वजीफ़ा करते हैं, आप एक वक्त में एक वजीफ़ा किया करें, क्योंकि आपको एक वजीफ़े का पहले असर मिल जाए तो आप फिर दूसरा बाद में वजीफ़ा शुरू किया करें। जैसे आप एक वजीफ़ा शुरू कर देते हैं, फिर दूसरे का भी वजीफ़े का आपको उसका कामयाब नहीं होते आप दूसरे वजीफ़े में, तो आप कहते हैं कि आपका वजीफ़ा सही नहीं है। आप अगर आपने दूसरा वजीफ़ा करना है और आप 7 दिन के बाद, मतलब कि आप एक हफ़्ते के बाद दूसरा वजीफ़ा किया करें, आपको उससे फ़ायदा हासिल होगा। चलो, आज मैं आपको ये वजीफ़ा बताऊंगा लड़ाई झगड़े का। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, नातफाकी हो, मियाँ बीवी में नातफाकी हो, बहन भाई में हो, माँ बाप में हो, कोई भी किसी भी किस्म के लिए आप कर सकते हैं ये वजीफ़ा। ना चला कि ऐसे भी कोई आपके घर में हो, मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान भाई की हौसला अफज़ाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम चलते हैं वजीफ़े की जानिब। ये आपने दो सूरतें बस पढ़नी हैं, जो कि चारों कुल की दो पहली सूरतें हैं, जो कि कुल सूर काफिरून सूर इख़लास। मैं आपको दिखाता हूँ अब ये आपने कैसे पढ़नी है। जी नाज़रीन, ये सूर इख़लास है एक, और सूरतुल अलकाफिरून है, जो कि चारे कुल की पहली दो सूरतें हैं, कुल या अय्युल काफिरून और ये सूरत इख़लास है। आप ये पढ़ना अपनी इशा की नमाज़ के बाद है। आप अगर आपका मसला ज़्यादा है तो आप 21 दिन करें। अगर आपका मसला शुरू हो ही रहा है, जैसे आपको महसूस हो कि हमारा मसला लड़ाई झगड़े का शुरू हो रहा है मियाँ बीवी के दरमियान, भाई बहन के दरमियान या माँ बाप के दरमियान, आप कर सकते हैं ये वजीफ़ा। अगर आप थोड़ा ही मामला है, आप 11 दिन करें। अगर आपका ज़्यादा मामला है, आप 21 दिन करें। 21 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वजीफ़ा कितना कारामद वजीफ़ा रहा। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जो भी वजीफ़ा लेके आते हैं वो ज़माए वजीफ़े ही होते हैं। मैं अब आपको बता दूँ, ये आपने इशा की नमाज़ के बाद जब आप सोने लगें, तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ के आपने जब बैठ गए हैं, आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने 11-11 मरतबा सूरह इख़लास और सूरह अलकाफिरून पढ़नी है। मतलब कि सूरह अलखलास और सूरह अलकाफिरून दो सूरतें हैं, लेकिन आपकी एक मानी जाएगी। फिर आपने सूरह अलखलास बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर आपने सूरह अलखलास सूरह अलकाफिरून दो सूरतें पढ़कर आपकी ये सूरत एक मानी जाएंगी। मतलब कि आपकी ये सूरतें दो हो जाएंगी। फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इख़लास पढ़ें, फिर सूरह काफिरून पढ़ें, ऐसे ही आपकी 3 तादाद हो जाएगी। फिर आप सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर आप सूरह इख़लास सूरह काफिरून पढ़ें, ऐसे आपकी तादाद 4 हो जाएगी। फिर ऐसे ही आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप ये पढ़ें 6वां, फिर 7वां, ऐसे ही आपका आपने ऐसे 11 बार पढ़नी है। यह आपकी सूरह इख़लास और सूरह काफिरून मिलाकर वैसे ये दो सूरतें हैं, लेकिन ये आपकी गिनती में एक होगी। ऐसे ही आपने 11 बार इन दोनों का विर्द कर आपने हर ये सूरतों के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़कर फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से आजी से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपकी ये लड़ाई झगड़े की जो भी फसाद आपके घर पड़े हुए हैं, नातफाकी है, चलाकी है आपके घर में, या आप अपनी ननन से सास से जिससे भी आप चाहते हैं कि मेरी लड़ाई झगड़ा ना हो, हम खुशी खुशी घर में रहें, तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपने ये जब दुआ मांगनी है, दुआ मांगकर आपने किसी से बात नहीं करनी, और आप जिससे चाहते हैं कि मेरी लड़ाई झगड़ा ना हो,
आप उसके ऊपर एक फूंक मार दें, इंशाल्लाह आप 11 दिन अमल करें। यहाँ पर अगर कम है, अगर आपका अमल लाइट जग रहा कम है, अगर आपका ज़्यादा ही लाइट जग रहा है तो आप 21 दिन करें, इंशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला दुआ को कबूल मंजूर ज़रूर फरमाएंगे और आपकी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि दूसरे का भी भला हो जाए। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ है। अब तक इतना ही। अब आप मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।